Hello everyone, welcome to my YouTube channel Unipec. In this video lecture we will discuss topic adding manure and fertilizer. Okay, so adding manure and fertilizers, हमें जो अपनी crops की अच्छी production के लिए कुछ nutrients हमें उसको soil में लाने के लिए, हमें healthy growth करने के लिए plants की, हम manure और fertilizers की ज़रूरत पड़ती है. तो हम जिस substance का use करते हैं soil की nutrients को means बढ़ाने के लिए, उनकी growth के लिए, उनकी enhance करने के लिए growth को plants की, तो उसको हम बोलते हैं manure and fertilizer. ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. आई सॉ हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म. इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक. व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर. तो ये जो है मींस एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बंदे ने मींस एक बॉय है, भोजू है जिसका नाम, जिसने कुछ बोला है कि मैंने किसी की बहुत ही अच्छी क्रॉप देखी है कि उसके फॉर्म में बहुत अच्छी तरह क्रॉपिंग हुई है, लेकिन उसके पास वाले फॉर्म में क्रॉप जो है, जो प्लांट्स ग्रो हुए हैं, वो बहुत ही वीक है. तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ क्रॉप्स ज्यादा अच्छी उगती हैं, अच्छा मतलब हमें क्वालिटी की होती है, और दूसरी बहुत ही वीक होती है, बुरी क्वालिटी की होती है. तो जो हमें सॉइल सप्लाई जो करते हैं ना, सॉइल जो सप्लाई करते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, किसको करते हैं, प्लांट्स को. ठीक है, तो सॉइल जो होनी चाहिए हमारी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और न्यूट्रिएंट्स ही जरूरी होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ को इनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए. ठीक है, कुछ एरियाज में क्या होता है, जो फार्मर जो होते हैं क्रॉप्स उगाते हैं वो सेम ही फील्ड में उगाते हैं. मींस इन सम सर्टेन, इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. एक ही फील्ड में सेम क्रॉप उगाते हैं. मीन्स टू से मीन्स एक ही में, जैसे कि मैंने वीट उगाया तो वहीं पे वीट, कब से काफी सालों से वीट ही उगाए जा रहे हैं. ठीक है, तो जो फील्ड होती है वो कल्टीवेट नहीं होती है. ठीक है, उससे क्या होती है, अनकल्टीवेट ही रहती है. ठीक है, इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स को क्या होता है, ये पूछा गया है. कंटीन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पोर. ठीक है, कंटीन्यूअस हम एक ही जो उगाते हैं, कंटीन्यूअस कल्टीवेशन का मतलब क्या कह रहे हैं, एक ही जैसी टाइप की क्रॉप हम बार बार उगा रहे हैं, तो उससे जो हमारी सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स बहुत ही खराब हो जाते हैं, पोअर हो जाते हैं. देयरफॉर फार्मर हैव टू एड मैन्योर टू फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल्स विद न्यूट्रिएंट्स. तो मैन्योर को फार्मर को क्या करना पड़ता है, सॉइल में, उनकी फील्ड्स में क्या करना पड़ता है, मैन्योर को ऐड करना पड़ता है, ताकि सॉइल जो है काफी से उसमें रिप्लेनिश हो जाए न्यूट्रिएंट्स जो कि जो हो गए थे, वैनिश हो चुके थे. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग. मींस मैन्योरिंग किसको कहा गया है, जब देखो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, जब हम उसमें न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए मैन्योर ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्योरिंग. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैन्योरिंग प्रोसेस. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. इम्प्रॉपर इनसफिशियंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक. अगर हम मैन्योरिंग अच्छी तरह नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हमने खाद जो है वो अच्छी तरह नहीं डाली है, तो उससे हमारी जो क्रॉप होगी वो क्या होगी, हमारी वीक होगी. ठीक है, क्रॉप जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वीक होगी. ठीक है, वीक क्रॉप हो जाएगी हमारी. ठीक है, तो हमें वीक तो लानी नहीं है, हमें तो अच्छी चाहिए ताकि उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो, कल्टीवेटेड हो. ठीक है, तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट. अब मैन्योर क्या होता है, मैन्योर क्या है, अब मैन्योर के बारे में पता होना चाहिए. ये एक ऑर्गेनिक क्या होता है, सब्सटेंस होता है. ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या मतलब है, जब प्लांट्स और एनिमल्स जो वेस्ट हैं वो डीकम्पोज हो जाना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस. प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट, एनिमल्स और प्लांट्स का वेस्ट. ठीक है, एक्सक्रीटा भी बोल सकते हैं हम. ठीक है, उसके वेस्ट को, वो जब उनका डीकम्पोजिशन हो जाए तो हमारा क्या बनता है, मैन्योर बनता है. या हमारा कोई हम पोटैटो पील्स हो गए, हमारे वेजिटेबल्स के जो होंगे छिलके वगैरह, वो भी डिकम्पोज होने के बाद ही मैन्योर बन जाती है. ठीक है, फार्मर क्या करते हैं, डंप करते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट को एक पिट में. ठीक है, एक बड़े से ओपन प्लेस में, ताकि क्या होता है, वो डीकम्पोज हो जाए. ठीक है, तो फार्मर आजकल डंप भी, एक प्लांट्स और एनिमल्स का जो भी वेस्ट है, एक डंप में खोद के, ठीक है, पिट खोद के उसमें डालते हैं, ताकि वो डीकम्पोजिशन जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से हो सके. ठीक है,
अब डीकम्पोजिशन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, माइक्रो का मतलब क्या है? देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो मीन्स छोटा, ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बींग। ठीक है, लिविंग बींग्स होते हैं, तो वो माइक्रो मीन्स जो छोटी लिविंग बींग्स होते हैं जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हम अपनी नेकेड आई से उसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो उस वो भी डीकम्पोजिशन करने में मदद करते हैं। तो डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और जो डीकम्पोज्ड मैटर होता है, जो डीकम्पोज्ड मैटर होता है, उसको हम एज क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। एज अ मैन्योर हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, मैन्योर। ओके, तो ये पता होना चाहिए। वर्मी कंपोस्टिंग हमने एक 7th क्लास में पढ़ा था। वर्मी कंपोस्टिंग भी एक अच्छा प्रोसेस है फॉर द डीकम्पोजिशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक एक्टिविटी नेक्स्ट पेज में है। ठीक है, एक एक्टिविटी है, इसको पढ़ेंगे। क्या है एक्टिविटी में, एक हमने इसके क्या करने हैं, टेक अ मूंग और ग्राम। ग्राम ये देखो, इसमें क्या है, हमने मूंग की एक दाल ले लेने, उनकी सीड्स ले लेने, ग्राम सीड्स ले लेने, और उसको क्या करना, जर्मिनेट देम। ठीक है, उसको उगने, जर्मिनेट में स्प्राउट्स निकलने देने हैं उनको। तीन, सिलेक्ट थ्री इक्वल साइज्ड सीडलिंग, टेक थ्री एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल। हमें तीन एम्प्टी खाली ग्लासेस लेने हैं और एक जैसे वेसल्स लेने, बर्तन ले लेना है, उसको ए बी सी मार्क कर देना है। ग्लास ए में हमने थोड़ा सा क्या करना है, अमाउंट ऑफ सॉइल वो करना है, मिक्स करना है किसके साथ, लिटिल काउ डंग के साथ, गोबर के साथ। ठीक है, मैन्योर के साथ। ग्लास बी में हमने क्या करता है, सेम अमाउंट का सॉइल डालना है और उसको मिक्स करना है थोड़े से यूरिया के साथ। ठीक है, फर्टिलाइजर्स के साथ। अब हमने सेम अमाउंट ऑफ सॉइल लेनी है, और सी ग्लास में क्या होना, विदाउट एडिंग एनीथिंग, उसमें कुछ ऐड नहीं करना। पहले में तो हमने सॉइल डाल दी। ठीक है, जो सॉइल ए में डालेगी, बी में, सी में डालेगी, वो एक ही मीन्स क्वांटिटी की होनी चाहिए। लेकिन ए ग्लास में सॉइल तो डलेगी, पर उसके साथ थोड़ा सा काउ डंग डलेगा, बी में फर्टिलाइजर डलेगा, यूरिया, और सी में कुछ नहीं डलेगा। अब उसके ऊपर हमने सेम अमाउंट ऑफ वाटर उसके ऊपर हमें क्या करना है, पोर करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे उसको एक सेफ प्लेस में रख देना है। तो हमने क्या करना, और उसको रोज डेली हमने पानी देना है। ठीक है, आफ्टर 7 to 10 days, 7, 10 से 7 दिन हो जाए, हमने एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, उनकी ग्रोथ को देखेंगे, क्या हुआ, ए में क्या हुआ, बी में क्या हुआ और सी में क्या हुआ। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। ए में हमारा था क्या था, सॉइल था हमारे पास, और कुछ क्या था हमारे पास, मैन्योर डाला था। ठीक है, मैन्योर डाला था, और इसमें क्या था, सॉइल था बी वाले में, प्लस क्या डाला था हमारा, यूरिया डाला था, और इसमें सॉइल ही डाला था और कुछ नहीं डाला था सी वाले में। ठीक है, सॉइल ही डाला था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो हमने इसके एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हम क्या, डिड द प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस पेस की सारी जो प्लांट जो हमने ग्लासेस में उगाए थे, वो क्या उगेंगे सेम ही पेस से, मींस जैसे ए में उग रहे हैं फास्टली, उतना ही बी में उगेंगे, क्या ऐसा होगा? तो विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो कौन सा ग्लास सबसे अच्छे जल्दी ग्रो करेगा और फास्ट ग्रो करेगा? फर्टिलाइजर आर केमिकल। अब यूरिया इज अ फर्टिलाइजर, वो एक तरह का केमिकल है जो कि होता है, विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में काफी रिच होता है, उसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए। ठीक है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मेन्योर? अभी मेन्योर से डिफरेंट क्यों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे वाले हम थोड़े से आगे स्लाइड्स में करेंगे से। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री सम, ठीक है, फैक्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स यूज हो सकते हैं, जैसे कि यूरिया। ठीक है, हमें पता चलना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिया एक का फर्टिलाइजर है हमारा। ठीक है, यूरिया, और दूसरा है हमारा फोस्फेट। ठीक है, फोस्फेट, ठीक है, और एक और है हमारा पोटैश, पोटैश। ठीक है, ये क्या सारे फर्टिलाइजर्स है, एक एनपीके, ठीक है, एन फोर नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये सारे जो है फर्टिलाइजर्स याद होने चाहिए। और ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये फार्मर को हेल्प करते हैं क्रॉप्स को अच्छी तरह बेटर
व्हेन दे ग्रो करने के लिए, जैसे कि हम ये फर्टिलाइजर्स व्हीट में यूज कर सकते हैं, पैडी में यूज कर सकते हैं और मेज में यूज कर सकते हैं. बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. लेकिन हम ज्यादा यूज करेंगे फर्टिलाइजर को तो इससे हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, बहुत ही मीन्स फर्टिलिटी उसकी पोअर हो जाएगी, ठीक है, खराब हो जाएगी फर्टिलिटी. फर्टिलाइजर जो होंगे उसको ज्यादा यूज करने से एक और जो हमारा नुकसान क्या है कि वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर इज केमिकल. जब रेन होगी तो वो सारा पॉल्यूट कर देगा पानी को और सारा खराब हो जाएगा. तो इसको सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम उसका एक फर्टिलाइजर का सब्सटीट्यूट यूज कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक मेन्योर है, ठीक है. ठीक है, तो ये क्या होता है, और लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स, ठीक है. तो ये हम क्या कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटीज को ठीक करने के लिए हम एक मेन्योर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव रहे और वाटर पॉल्यूशन भी ना हो, ठीक है. यूज करेंगे जब हम मेन्योर को, ये सॉइल के टेक्सचर को एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को क्या करती है, इंप्रूव करती है, ठीक है. तो मेन्योर को यूज करने से क्या होता है, देखो मेन्योर को यूज करेंगे हम तो सबसे पहले एडवांटेज क्या होगा उसको यूज करने का, कि वो सॉइल का टेक्सचर, जो क्वालिटी है सॉइल की, टेक्सचर मींस उसकी क्वालिटी, ठीक है, वो इम्प्रूव कर देगी. और दूसरा है कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होगी, वाटर को रिटेन करके रखना, मींस जो जहां पे तुम्हारी फील्ड है, ठीक है, जहां क्रॉप उगाई जाती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को वो एक जगह रिटेन करके रखता है, ठीक है. उसके बाद क्या है, इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. अब ये जो है मेन्योर, ये क्या करता है, सॉइल को न्यूट्रिशन से भर देता है, ठीक है. तो हमें मेन्योर ही यूज करनी चाहिए. अनदर मेथड जो है रिप्लेनिश करने का, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स द्वारा डालने का, वो है क्रॉप रोटेशन. अब क्रॉप रोटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है. इससे हमारी सॉइल क्या होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव रहती है और उसमें न्यूट्रिएंट बने रहते हैं, ठीक है. तो क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक ही लैंड में हम कितने सालों से एक ही चीज उगा रहे हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव नहीं हो सकती है. हमें ऑल्टरनेटिव ग्रोथ मतलब ग्रोइंग करना चाहिए, क्रॉप्स की अदर चेंजेस करने चाहिए, ठीक है. जैसे कि फार्मर जो नॉर्दर्न इंडिया में है वो क्या यूज करते हैं, एक सीजन में लेग्यूम्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वीट यूज कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन में. मींस ऐसे ऐसे वो चेंज करते रहते हैं ताकि सॉइल जो है हेल्प करती है, ये अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो वो उसको हेल्प करती है, ताकि क्या हो सके कि सॉइल में न्यूट्रिएंट या नाइट्रोजन जो भी है वो मेंटेन हो सके, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो भी जरूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए. तो हमें वो चीजें भी उगानी चाहिए, पीज उगाने चाहिए, लेग्यूम्स उगाने चाहिए, ताकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो और नाइट्रोजन रिच होते हैं, क्योंकि वो और वो हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत ही जरूरी है. जो फार्मर्स हो रहे हैं उनको भी इंकरेज किया जा रहा है कि ये चीजें यूज करें, कि जो प्लांट्स हमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं हमें वो चीज उगानी चाहिए बीच बीच में, ताकि हमारे क्रॉप्स जो हैं अच्छी तरह ग्रो कर सके और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में ही रह सके. हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा था एक राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. राइजोबियम बैक्टीरियम में क्या होता है, दीज आर प्रेजेंट इन द नोडल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दे फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है. अब ये क्या होता है, हमने पुरानी क्लास में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था. एक प्लांट होता है लेग्यूमिनस, उसमें क्या होता है, उसके रूट्स में क्या होता है, नोड्स होती हैं, तो उसमें काफी सारा एटमोस्फेरिक फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन बहुत जरूरी है. अब एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है तो उसमें हम डायरेक्टली नहीं ले सकते ना प्लांट्स, उसको कन्वर्जन करते हैं, देन वो लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक है. ये आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो एक क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, कि फर्टिलाइजर्स जो है वो मेन्योर डिफरेंट कैसे है फर्टिलाइजर से, ठीक है. तो ये कैसे है डिफरेंस, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है. तो इस वाले में क्या है, देखो हम डिफरेंस देखेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बीच में. जो फर्टिलाइजर है वो मैनमेड है, इन ऑर्गेनिक सॉल्ट से बना है, ठीक है. हम लोगों ने बनाया है, जैसे नाइट्रोजन को मिक्स करके, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे क्या, यूरिया, ये सारे मैनमेड है, ठीक है. वेर एज मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि किससे बना है, कैटल डंग से, मीन्स काउ डंग वगैरह, ठीक है, एनिमल्स के क्या होता है, एक्सक्रीटा से बने हैं, या प्लांट्स का जो बचा खुचा होते हैं हमारे रेजिड्यूज से बने हैं, ठीक है.
दूसरी तरफ जो है सेकंड पॉइंट फर्टिलाइजर का, ये प्रिपेयर हम फैक्ट्रीज में कर सकते हैं, लेकिन मैन्योर जो हम हमेशा प्रिपेयर कहाँ करेंगे, फील्ड्स में ही प्रिपेयर किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो फर्टिलाइजर में है वो क्या होता है, ये ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते सॉइल को, क्योंकि सॉइल में ह्यूमस जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले हम सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें ह्यूमस आनी ही चाहिए, ठीक है, उसके अच्छी तरह ताकि हम सोइंग कर सके। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, अब मैन्योर बहुत ज्यादा ह्यूमस देता है, तो दैट इज वेरी मच एडवांटेजियस एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। अब फर्टिलाइजर्स में काफी सारे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो चाहिए होते हैं उन्हें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एंड पीके, ठीक है। मैन्योर जो होता है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स इतना नहीं होता है, लेकिन अगर आपको जल्दी न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो फर्टिलाइजर इज द बेटर। ओके, तो मैन्योर के एडवांटेज भी हम देखेंगे इसमें। तो मैन्योर के एडवांटेज क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको बेटर कहा गया, ऑर्गेनिक मीन्स जो हमारे जो डेड एनिमल प्लांट से बनी है उसको ज्यादा बेटर कहा गया है फर्टिलाइजर से। क्यों? इससे काफी रीजंस हैं, फोर रीजंस हैं। सबसे पहले क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये इम्प्रूव करता है, सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस मीन्स कि इसमें लिक्विड, मीन्स सॉइल जो है ह्यूमस ज्यादा होता है तो लिक्विड ही बना देगा सॉइल को, जिसमें हमें सोइंग प्रोसेस में इजी हो जाएगा, ठीक है। और ताकि ये इस सॉइल पोरस हो जाएगी उसकी वजह से क्या होगा, जो गैस की एक्सचेंज करेंगे वो काफी इजी होगा। गैस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो ऐसे हम एक्सचेंजेस कर सकते हैं थ्रू द स्टोमेटा वगैरह, ठीक है। क्योंकि सॉइल को कहाँ से चाहिए न्यूट्रिएंट्स, वो रूट से मिलेंगे, ठीक है। रूट्स को किससे चाहिए, सॉइल से मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें नोट करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो ये मैन्योर की काफी अच्छी एडवांटेज है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और पोरस बनाता है सॉइल को, फॉर सोइंग के लिए अच्छा होता है, और ये इंक्रीज कर देता है नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और मैन्योर की वजह से हमारे अर्थवर्म वगैरह ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स एक ही चीज होती है, तो उसको इम्प्रूव कर देता है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, ना कि उसको डिग्रेड करते हैं, ठीक है। तो इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है मैन्योर को ऐड करने से। सो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। टिल देन, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।